ट्रिक सीखने वाले हैं, और ये कुछ ट्रिक नहीं है, एक फन है, ओनली फन है ना। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज नहीं करेंगे, ओनली प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि 4-5 के इक्वल किस तरह होता है। आप इसका एग्जाम में उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं 2 और 2 5 होते हैं, या फिर 1 और 1 11, 2 और 2 22 हम कई बार देखते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि 4 जो है वो 5 के बराबर किस तरह से हो सकता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम मैथ्स के 2 से 3 फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और प्रैक्टिकली लीगली हम ये प्रूव करके बताएंगे कि 4, 5 इक्वल किस तरह से होगा। हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे वो देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये तो आप जानते होंगे, ये आपने 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये तभी होगा जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू बी स्क्वायर कब होगा, जब ए इक्वल्स टू बी होगा। ए इक्वल्स टू बी होगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं ए को ए इक्वल्स टू बी होगा तभी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इसके इक्वल। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 2 2 हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि 4 इज इक्वल्स टू 5। अब ये प्रूव करने के हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, वो नंबर हम लेंगे -16 इक्वल्स टू -16। इसको मैं मान लेता हूँ LHS और इसको मान लेते हैं RHS। आप सभी को पता है कोई भी नंबर उस नंबर के खुद के नंबर इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -16 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, -16 को हम लिख सकते हैं 16 - 32। अगर मैं 16 में से 32 माइनस करूंगा तो मुझे -16 इक्वल्स टू हम लिखेंगे 25 - 41 को माइनस करूंगा तो मुझे -16 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 16 - 32 - 4 इक्वल्स टू 25 - 41 - 4। हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दोनों साइड -4 से सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे -20 मिलेगा, इसका कैलकुलेशन करूंगा तो भी -20 मिलेगा। इट मीन्स ये दोनों जो है इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ओके। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से किस तरह से करेंगे देखिए, 16 - 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 - 45, ओके। अब हम इसके अंदर एक चीज ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे वो देखिए, 16 - 36 एक नंबर ऐड करेंगे, वो नंबर है प्लस 81/4 इक्वल्स टू 25 - 45 + 81/4। सेम चीज यहाँ पे लिखाऊंगा, दोनों तरफ हमने ऐड किया है, यानी कि अगर मैं इसको इधर लेके माइनस कर दूं तो इसका कोई भी इफेक्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं पड़ेगा। हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एडिंग बाय 81/4 ऑन बोथ साइड्स, ओके। आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने दो फॉर्मूलों का जिक्र किया था आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिए ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर इस फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। किस तरह से, हमें पहला नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, पहला नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे हमें लास्ट नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। बीच का नंबर, इन दोनों को के स्क्वायर हटाने के बाद ए बी, यानी कि इसका ए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको ए बी कैसे होगा। जैसे कि 2ab है, हमें a मिलेगा 4, किस तरह से a स्क्वायर हमारे पास है 16, तो a कितना मिलेगा 4 यहाँ पर, और b हमारे पास है, b का स्क्वायर है हमारे पास जो कि है 81/4, तो हम b क्या लिखेंगे 9/2, समझते हो। अब ये कैसे आएगा, ये देखिए 2ab है,
तो ए कितना है 4, 2 का 2 यहां पे ए 4, बी कितना है 9/2, 9/2 कैंसिल, 4 9 36 आ गया हमारे पास। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये 4 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें बीच में 45 मिल जाएगा। तो ये इसको हम कह सकते हैं 5 9/2 का या होल स्क्वायर है, ठीक है। अब जैसे कि हमने दूसरा जिक्र किया था कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर तभी होगा जब ए इक्वल्स टू बी होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू b जब होगा तब a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम कोई नंबर लेके भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम बता सकते हैं जैसे कि a जो है हम मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप जानते हो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ठीक है। और जैसे b में मैं लेता हूं तो b a के स्क्वायर, a के इक्वल कब होगा जब मैं b को भी 2 लूंगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर अगेन हो जाएगा 4। इस सिचुएशन में a जो है वो 2 है और b जो है वो भी 2 है, तब मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू b। अब मैं इन दोनों का स्क्वायर कर लूंगा तो 4 होगा, तो इस सिचुएशन में कह सकता हूं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो वही सिचुएशन यहां पर लागू होती है। हम यहां पर a है इसको a मान रहा हूं, यहां पर b मान रहा हूं, ठीक है। इस पूरे कैलकुलेशन में स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 9/2 = 5 9/2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, -9/2 है इसको यहां पर ले जाकर माइनस और प्लस कर देंगे, इस तरह से 4 = 5 9/2 + 9/2 - 9/2 + 9/2 जीरो हो जाएगा। हियर 4 = आज हमने देखा कि 4 5 के इक्वल किस तरह से हो सकता है, ठीक है। आपको इस सॉल्यूशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अलग-अलग मैथ्स की ट्रिक्स बता देंगे।